है कि साउथ में जो स्टॉर्म आया है, जो साइक्लोन आया है निवार, उसके क्या क्या इम्पैक्ट हैं, क्या क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं, और उसको कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसी चीज़ों को ठीक करके उससे हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं हिंदी मीनिंग के साथ साथ पूरी ग्रामर भी क्लियर करूंगा और वोकैब भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, देखिए आज का जो एडिटोरियल है वो क्या है। स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म का मतलब सब लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं तूफान को लेकर वार्निंग दे रहा है। गवर्नमेंट्स कैन हैंडल साइक्लोन्स, अब कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, जो सरकारें हैं, वो हैंडल कर सकती हैं किसको, साइक्लोन्स को। साइक्लोन्स मतलब चक्रवात। बेटर बाय इन्वेस्टिंग, कैसे उसको अच्छे से हैंडल कर सकती हैं, क्या करके, इन्वेस्ट करके इन टाउन प्लानिंग एंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि भाई जो टाउन प्लानिंग है और जो इंफ्रा है उसमें अगर वो इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट साइक्लोन्स को बहुत अच्छे से बेटर तरीके से हैंडल कर सकती है। तो इंफ्रा में है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और टाउन में जो है ना कुछ चीज़ें ठीक करके, प्लानिंग करके है ना, कि टाउन को कैसे सेटल करना चाहिए है ना, कैसे टाउन में व्यवस्था होनी चाहिए, ये प्लानिंग करके सरकारें इस स्टॉर्म को हैंडल आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। साइक्लोन निवार, अब देखिए अभी साउथ में जो है ना, कल जो साउथ में साइक्लोन आया उसका नाम क्या है, निवार। रेज्ड फियर, रेज्ड का मतलब होता है पैदा करना, बढ़ा देना, उसने डर बढ़ा दिया है किसमें, ऑफ अनदर इपिक। अब देखिए यहाँ पर इपिक का मतलब है स्टोरी से, इपिक वो होता है जिसकी कहानी हम बार बार है ना सुनाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई ना कि ये एक इपिक है, इपिक मतलब जो चीज़ हिस्ट्री में बार बार रिपीट होती है। साइक्लोन ने डर पैदा कर दिया, एक दूसरा अनदर फियर है ना, एक दूसरा एक इपिक डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरी प्राकृतिक आपदा को लेकर एक दूसरा डर। पहला डर देखिए किसको कह रहा है, पहला डर कह रहा है कि भाई जो कोविड आया हुआ है, तो यहाँ पर अनदर मतलब एक अनदर इपिक ना, एक दूसरी प्राकृतिक आपदा को लेकर है ना, जिसका नाम क्या है, निवार है, एक डर पैदा कर दिया। 4 मिलियंस ऑफ कोस्टल रेजिडेंट्स, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, मिलियंस मतलब 10 लाख भाई है ना, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। तो यहाँ मिलियंस की बात कर रहे हैं कि जो निवासी तट के पास रहते थे, मिलियंस ऑफ तटीय निवासियों में है ना, तट का समझते हैं जो समुद्र के तट के पास रहते थे, और जो रेजिडेंट्स थे, जो निवासी थे, उनमें डर पैदा कर दिया है। इन द साउथ, कहाँ पर, साउथ में ये तूफान आया है, सबको पता है ना। बट इट्स पैसेस, लेकिन इसका जो रास्ता है, पैसेस का मतलब है यहाँ पर मार्ग, ओवरलैंड नियर पुदुचेरी, वो पुदुचेरी के पास में है, और वो तट से नहीं, वो स्थल मार्ग से ही जो है ना गुजरा है। अर्ली ऑन नवंबर, कब, सुबह सुबह 26 नवंबर की सुबह सुबह, अर्ली ऑन नवंबर 26, वो लेस डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ये कम विनाशकारी था देन एंटिसिपेटेड, जितना अनुमान लगाया गया था ना भाई। आईएमडी के द्वारा, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, उसके द्वारा ये सोचा गया था कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, लेकिन देखिए जो एडिटोरियल वो ये कह रहा है कि ये पदुचेरी के पास तटीय मार्ग से नहीं गुजरा, ये ओवरलैंड से गुजरा है, मतलब स्थल मार्ग से ही गुजरा है, और इससे कम विनाश हुआ। डिस्ट्रक्टिव मतलब ये कम विनाशकारी है, विनाशकारी था, सॉरी, देन एंटिसिपेटेड, जितना अनुमान लगाया गया था। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है जब हम चीज़ों को लेकर पहले से अनुमान लगाते हैं, उसको एंटिसिपेटेड बोला जाता है। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब मैंने बता दिया क्या, विनाशकारी। अब देखिए यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर जो रेज आ रहा है वो पास इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ये पास्ट हो गया है, वो 26 को आना था, ठीक है ना, टुडे इज 27। और अनदर का मतलब समझ गया ना, दूसरे डर क्यों बोल रहा है, कि ये अनदर इपिक है, अनदर इपिक डिजास्टर इसलिए बोला है क्योंकि पहले से हमारे पास एक डिजास्टर में हम लोग जी रहे हैं, जो कोविड-19 है ना, जो कोरोना, ठीक है दोस्तों। और मिलियंस ऑफ, यहीं पर एक बात इंपॉर्टेंट बताऊंगा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, अगर मिलियन से पहले कोई भी नंबर आ जाता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर हम यही कहते हैं 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। ऐसे ही हम लोग थाउजेंड, लाख, करोड़ के लिए भी यूज करते हैं, अगर थाउजेंड, करोड़, लाख, मिलियन, बिलियन, इनसे पहले कोई भी डेफिनेट नंबर आता है, 1, 2, 3, 4 आता है, तो इनमें एस या यस नहीं लगाते,
तो यहाँ पर हमें डेफिनेट नहीं पता, बस ये पता है मिलियंस ऑफ कोस्टल रेजिडेंट्स हैं। तो जब तक मिलियन, बिलियन, 100,000, करोड़, लैख से पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है, तब तक आप इनमें एस लगाते हैं। देखिए मिलियंस के ऊपर, मिलियंस के बाद ऑफ भी है, ठीक है ना। बट इट्स इट्स जो यूज कर रहा है वो साइक्लोन निवार के लिए यूज कर रहा है, इसका जो मार्क था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नवंबर से पहले, 26 पे पहले ओन लगा रहा है, जितनी भी डेट हैं उनसे पहले ओन ही आता है। चलिए द रिपोर्टेड लॉस ऑफ एट लीस्ट 3 लाइव्स, लाइव्स का मतलब 3 लोगों की जिंदगियां। देखिए यहाँ पर जो लाइव्स का मतलब वो क्या है, जिंदगियों से मतलब है। क्या बात कर रहा है, देखिए ये कह रहा है जो रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट आई है उसमें जो लॉस है, कम से कम 3 लोग उसमें मारे गए हैं। वो इज आर रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब होता है अपेक्षाकृत लो टोल फॉर सच अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम, कि भाई उसमें जो रिपोर्टेड है, उसमें जो लॉस हुआ है, कम से कम 3 लोग उसमें, एटलीस्ट कम से कम 3 लोग उसमें मारे गए हैं, और ये अपेक्षाकृत बहुत कम है, कम क्षति है। टोल का मतलब है क्षति, नुकसान, कि अपेक्षाकृत ये बहुत कम क्षति है, नुकसान है फॉर सच ए लार्ज स्केल, है ना। कि इतने बड़े स्केल पर जो वेदर सिस्टम था, कि भाई इतने बड़े स्केल पर जो वेदर सिस्टम लगाया गया था ना, कि भाई कहा गया था कि भाई बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है, तो अपेक्षाकृत जितना सोचा गया था उससे कम क्षति है। एटलीस्ट है ना, कम से कम 3 लोग जो है ना अपेक्षाकृत मारे गए, तो अपेक्षाकृत ये लो टोल है, एक बहुत कम क्षति है, राइटर इसको बोल रहा है। इससे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसान होना था, है ना, बहुत ज्यादा जाने जानी थी, या फिर यूं कहिए कि भाई प्रॉपर्टी का और एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था। ऑल दो यद्यपि प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर हैव सफर्ड, देखिए कि भाई प्रॉपर्टी और जो खेती है, कृषि है, हैव सफर्ड, उसने बहुत ज्यादा सफर्ड किया है। सफर का मतलब है यहाँ पर नुकसान उठाना। कंसिडरेबल, कंसिडरेबल मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना। कंसिडरेबल का मतलब वैसे तो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा से मतलब है कंसिडरेबल, जिसको ध्यान में लाया जाए। एक कंसिडरेबल डैमेज हुआ फ्रॉम द फियर्स विंड्स, किससे भाई, एक जो भयानक हवा आई, है ना, तूफान आया, एंड मैसिव वॉल्यूम ऑफ रेन, और एक बहुत बड़े लेवल पर जो भयंकर क्या हुआ है, रेन हुई है, बारिश हुई है, मैसिव वॉल्यूम। मैसिव वॉल्यूम का मतलब है पड़ ले आई है, जो बारिश जो है ना बहुत ज्यादा हुई है, मैसिव मतलब एक बहुत बड़े लेवल पर बारिश जो हुई है। इट डंप इन तमिलनाडु एंड पुदुचेरी, किसमें भैया, तमिलनाडु में और किसमें, पुदुचेरी, ठीक है। डंपड़ का मतलब वैसे तो दोस्तों बता दूं फेंकना होता है, लेकिन यहां पर जो एग्रीकल्चर है और क्या जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा डंपड़ हुई है, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ है, कहां पर, तमिलनाडु में और पुदुचेरी में। आई होप सो यहां तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए यहां पर देखिए हैव क्यों लगाया हुआ, थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। और देखो एक बात और सुनिए, यहाँ पर ओल्डो था, क्या था, ओल्डो था, है ना। तो ओल्डो के साथ आगे देखिए पूरे सेंटेंस में, ओल्डो प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर हैव सफर्ड कंसिडरेबल डिजाइनली फ्रॉम द फियर्स वाइंड्स एंड मैसिव वॉल्यूम ऑफ रेन, ठीक है ना, इट डंप। अगर आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ओल्डो के साथ यट नहीं आया हुआ है। आई होप सो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। तो ग्रामर को भी हमें देखिए यहाँ पर हैव क्यों आया है, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं, एक प्रॉपर्टी और एक एग्रीकल्चर है, ठीक है भाई, जो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है फ्रॉम द, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, डैमेज सब लोग समझते हैं भाई, जो नुकसान हो रहा है क्यों बहुत ज्यादा है, कि प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है और खेती की जो जमीन है उसको नुकसान हुआ है, किसकी वजह से, साइक्लोन की वजह से। ओके सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, की जो नागरिक है और जो गवर्नमेंट है वर फियरफुल, वो बहुत डरी हुई थी, फियरफुल थी वो, डरी हुई थी ऑफ ए डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब है बाढ़, पड़ने से डरी हुई थी, कि भाई कहीं बहुत बड़े लंबे कोई कहीं बहुत बड़े लेवल पर कि बाढ़ ना हो जाए, है ना। उस डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, पड़ने से डरी हुई थी, दैट कुड बी अ रिपीट, कि भाई कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है 2015 में जो फ्लड है। एक्चुअली 2015 में वहां पर बहुत भारी बाढ़ आई थी, तो उस चीज से डरी हुई थी कि कहीं 2015 की तरह इस बार 2020 में भी ये बहुत पड़ने ना आ जाए। तो गवर्नमेंट को भी डर था और किसको, सिटीजन जो वहां के नागरिक थे उनको भी डर था। विच किल्ड आ, अब देखिए ये जो बाढ़ थी, विच किसके लिए आया हुआ है, फ्लड के लिए आया हुआ है, कि जो बाढ़ थी किल्ड, इसने मारा था अ फ्यू हंड्रेड, लगभग मतलब 100 लोग मारे गए थे, अ फ्यू, 100 से भी ज्यादा, अ फ्यू हंड्रेड, है ना।
मतलब अ फ्यू हंड्रेड का मतलब यहां पर है सिर्फ सो ही नहीं, मतलब कई सौ लोग कहीं पर, अ फ्यू हंड्रेड है ना, कुछ सौ लोग मारे गए थे, मतलब 200 300 400, कुछ सौ लोग का मतलब ये है कुछ 100 लोग मारे गए थे, है ना। इससे 2015 में जो फ्लड आई थी, एट दे ओवरकेम, सॉरी ओवरकम की जो है ना सेकेंड फॉर्म है ओवरकेम, ओवरकेम का मतलब होता है काबू पाना, एंड दे ओवरकेम कोविड-19 फटिंग। फटिंग मतलब भाई, फटिंग का मतलब वैसे तो उबाऊ होता है, यहाँ पर परेशान करने से मतलब है कि उन्होंने काबू पाया था उन लोगों ने, है ना, इस पर भाई सरकार ने और सिटीजन्स ने काबू पाया था किस पर, कोविड-19 पर, जो ये बहुत ही थकाऊ था, मतलब बहुत ही बोरिंग था फटिंग, मतलब यहाँ पर जिसने सबको डिस्टर्ब कर दिया, जिससे सब ऊब गए थे, है ना, परेशान होना। कि उन्होंने क्या किया था भाई, काबू पाया था, एंड टू प्रिपेयर, और अब तैयार होना था किसके लिए, वर्स्ट के लिए, मतलब कि और ज्यादा चीजें बेकार होने वाली, वर्स्ट मतलब सबसे बेकार, कि भाई अभी जो है काबू पाया था पट्टी सॉरी ना कोविड-19 पर, और अब उनको फिर तैयार होना था कि कहीं ना कहीं अब फिर बुरा होने वाला है, जो बाढ़ आने वाली है, वो इस चीज से डरे हुए थे। देयर वॉज ऑल्सो वेलकम इम्फेसिस ऑन पीरियोडिक अलर्ट्स एंड वार्निंग्स। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि जबकि पहले से देयर वॉज ऑल्सो, कि पहले से ही एक जोर देने वाला है ना वेलकम, मतलब चीजें पहले से ही जोर देने वाला एक वेलकम, चीजों का पहले से चीजें बता दी गई थी, उन चीजों का पहले से ही स्वागत कर दिया गया था, कि एक पीरियोडिक अलर्ट्स लेकर एंड वार्निंग्स। ये कह रहा है कि हालांकि पहले से ये चीज वहां पर थी, कि जो अंतर बार बार समय अंतराल पर जो अलर्ट्स थे और वार्निंग्स थी, ये चीजें पहले से ही इन चीजों पर वहां जोड़ दिया गया था, इन चीजों पर भी वहां पर ये चीजें भी वहां पर बता दी गई थी। ऑल्सो है वेलकम, वेलकम का मतलब है चीजों को वहां पर पहले से ही बता दिया गया था ना, इन चीजों पर जोर दिया गया था, कि वार्निंग्स दे दी गई थी पहले से ही, और समय समय पर जो है ना चीजों को वहां पर एक्सप्लेन कर दिया गया था कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना होने वाला है, कि किसको लेकर, साइक्लोन को लेकर, द IMD, जिसको मैं भी कह रहा था। IMD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये एक संस्था है जो पूरे भारत में कहीं ना कहीं इसको लेकर, वेदर को लेकर, मौसम को लेकर सूचना जारी करती है कि भाई यहाँ तूफान आने वाला है, यहाँ बाढ़ आने वाली है ना, पूरा लेखा जोखा देखती है ये कि कहाँ पर पूरे भारत में क्या होने वाला है। द IMD हैज बीन गेटिंग बेटर, कि कहीं ना कहीं जो IMD है वो अच्छा कर रही थी, है ना, इसको लेकर, फोरकास्टिंग को लेकर, मतलब सूचना पहले दे देती है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है सूचना, है ना, इसको देखकर स्लो मूविंग, कि भाई ये अब स्लो है, बता दिया था कि जो ना अब ये स्लो रहेगा, एंड लाइनर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल, कि बंगाल की खाड़ी में ये जो लाइनर साइक्लोन है, लाइनर सॉरी लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, ट्रॉपिकल एक्चुअली वो होता है बस जिस साइक्लोन में ना लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन उसको बोला जाता है, इसमें बारिश के साथ साथ ना बाढ़ आने का भी खतरा रहता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब वैसे तो उष्ण, है ना, उष्णीय चक्रवात है, तो भाई वो जो चक्रवात ना, वो जो तूफान जो अपने साथ बाढ़ का खतरा भी लेकर, है ना, बाढ़ भी अपने साथ लेकर आते हैं, बारिश भी साथ साथ आती है, उससे बारिश जो आती है उससे बाढ़ का खतरा बन जाता है। ये IMD भी भाई अच्छा कर रहा है, जिसने पहले एक सूचना दे दी थी कि ये स्लो है, अब इसकी जो गति है वो स्लो है, कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में, है ना, ये जो लीनियर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, उस गतिविधि जो चक्रवात है, एंड मल्टीपल सैटेलाइट्स, और जो कई सारी जो सैटेलाइट्स है, मल्टीपल मतलब जो अपना अलग अलग काम करती है, अब वो क्या करते हैं, प्रोवाइड साइक्लोन डाटा, भाई वो भी साइक्लोन डाटा देती है कि कहाँ पर जो है ना साइक्लोन आएगा, कैसा साइक्लोन रहेगा, उसकी स्पीड कैसी रहेगी, है ना, और कितने बजे वो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात क्लियर होगी होगी। द डिप्लॉयमेंट ऑफ, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है तैनाती, ना, ऑफ ओवर 2 डजन NDRF टीम्स। देखिए क्या बात कर रहे हैं, कि 2 दर्जन से भी ज्यादा NDRF की जो टीम थी उनकी तैनाती, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो उपकरण है, इक्विपमेंट है, अलोंग द कोस्ट, ना, किसके, इसके साथ साथ तट के साथ साथ रीअश्योर्ड, वो कहीं ना कहीं भरोसा दिलाते हैं सिविक एजेंसी को, सिविक मतलब जो नागरिक एजेंसीज हैं ना, नागरिकों को कहीं ना कहीं, एजेंसी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो नागरिकों को एक भरोसा दिलाते हैं कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो है NDRF की टीमें तैनात कर दी गई थी, और भाई जो डिजास्टर को देखने वाले, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो इक्विपमेंट है
ना, जिससे भाई पता लग सकता है कि भाई कब तूफान आने वाला है, क्या उसकी रेंज रहेगी, कितनी स्पीड रहेगी। ये सारी चीजें नागरिकों को कहीं ना कहीं भरोसा दिलाती हैं कि भाई चीजें अब ठीक हैं। नोट एवरी वन स्केप्ड निवार, कि हाँ भाई हर आदमी तो जो है ना नहीं बच निकला। इसका मतलब होता है बच निकलना, किससे? निवार से, विद ए माइनर पेनल्टी, मतलब कि एक माइनर पेनल्टी ही उन पर पड़ी हो। हर आदमी तो जो है इस चीज से नहीं निकला भाई, कुछ को बहुत नुकसान भी हुआ है, जैसे ऊपर कहा गया है 3 लोगों की डेथ हुई है ना, और प्रॉपर्टी को लेकर और एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा वहां नुकसान भी हुआ है, कि हर आदमी तो इससे नहीं बच निकला निवार साइक्लोन से। अब देखो ये निवार जो है ना, इसको नाम याद रख लीजिए, ये भैया जीए में बहुत पूछा जाता है, बैंकिंग में। हावेवर, हालांकि, एंड फॉर द सबर्न चेन्नई, सबर्न का मतलब होता है जो चेन्नई का उपनगरीय क्षेत्र है, मतलब चेन्नई में जो छोटी छोटी नगर है उनकी बात कर रहे हैं। सबर्न मतलब उपनगरीय है ना। द पीक वन डे रेनफॉल, एक दिन जो कह रहा था जो रेनफॉल है बारिश है वो पीक पर थी, इतनी लगभग 31 सेंटीमीटर इन। और ये जगह का नाम है उपनगरीय क्षेत्र, किसका? चेन्नई का है ना, तंबर, क्या है, तंबरम। रोड डिस्ट्रक्शन, रोड का मतलब होता है कहीं ना कहीं, देखिए लिख लीजिए, बनाया हुआ। रोड डिस्ट्रक्शन मीनिंग व्हाट हैपन 5 ईयर्स एगो, कि भाई जो 31 सेंटीमीटर जो वर्षा हुई थी, कहाँ पर भारी वर्षा हुई थी, किसमें? तंबरम में, उससे कहीं ना कहीं रोड डिस्ट्रक्शन वो एक 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 जो है ना मिरिंग, जो है ना आईना दिखाने वाले, एक डिस्ट्रक्शन बन गया है ना। रोड का मतलब होता है बनना, है ना, वो बन गया एक विनाशकारी जो है ना, आईना दिखाने वाला डिस्ट्रक्शन बन गया, कि व्हाट हैपेंड, कि जो हुआ था 5 साल पहले, कि भाई जो 31 सेंटीमीटर तंबर में वर्षा हुई है एक दिन में, है ना, और जो पीक पर वर्षा थी बहुत ज्यादा वर्षा थी, किसकी वजह से? एक मिरर्स बन गया था, मतलब चीजें एक ऐसा आईना दिख रहा था कि 5 साल पहले वाला जो सीन है वो दोबारा जो है ना क्रिएट हो गया, वो एक आईना दोबारा बन गया कि कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है जो 5 साल पहले तबाही हुई थी, है ना, 2015। स्मॉलर इनलैंड टाउन्स है ऑल्सो सफर्ड, कि छोटे छोटे जो शहर हैं, है ना, मतलब चेन्नई के अंदर जो छोटे छोटे सिटीज हैं उनका जो आंतरिक भाग है, कहीं ना कहीं इस सिटी का जो टाउन्स का जो आंतरिक भाग है उस सफर्ड, कि उसने भी जो है ना सामना किया है इन इनंडेशन। इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़ का, एंड सीवियर लॉसेस का, कि वहां पर ना काफी लॉस हुआ है, ठीक है, सीवियर मतलब गंभीर लॉस जो है हुआ है। इनंडेशन का मतलब होता है बाढ़, कि भाई वहां पर बाढ़ आई है उसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है। द आफ्टरमैथ, कि बाद में जो रिजल्ट मिला, आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, नव प्रेजेंट्स, कि वो क्या बताता है, वो प्रेजेंट करता है एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फुल असेसमेंट, कि भाई कहीं ना कहीं एक फुल असेसमेंट होना चाहिए चीजों का, एक फुल मूल्यांकन को प्रेजेंट करता है। और नॉट जस्ट, कि सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, देखिए, नॉट जस्ट फॉर डिसरप्शन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ, कि भाई कहीं ना कहीं राहत की जो चीजें हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें, है ना, कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है, ये वो एक अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है कि क्या करें, टू मेक अ फुल एस्टिमेट, चीजों का पूरा मूल्यांकन होना चाहिए कि भाई ऐसा हुआ क्यों है ना, सिर्फ राहत की सामग्री ही डिस्ट्रीब्यूट ना करें, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, बल्कि ये भी समझना है कि भाई जो ये एक्सट्रीम मानसून है इसका क्या इम्पैक्ट है, इसका जो इम्पैक्ट्स हैं वो क्या है, उसके इम्पैक्ट्स को भी समझना है कि उससे कितना बुरा हुआ है ना। एक्सट्रीम मानसून का मतलब समझा, ये बहुत बुरा जो मानसून रहा है, जो बहुत बुरा मौसम रहा है, ये क्यों हुआ है, इसका इम्पैक्ट क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहां तक मेरी बात क्लियर होगी, थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। द आफ्टरमैथ मतलब क्यों कह रहा है, क्योंकि द हम तब लगाते हैं, देखिए जब क्या होता है दोस्तों, चीजें पहले से डिस्कस हो रही है, तो द आफ्टरमैथ इसलिए कहा है कि भाई उस रिजल्ट की बात कर रहा है जिससे लॉसेस हुआ है, तो यहां पर समझ में आ गया होगा कि होल सफर्ड इंडेशन, ठीक है ना, इन अंडेशन, सॉरी, इन अंडेशन का मतलब मैंने पहले ही बताया बाढ़ है। चलिए, द तमिलनाडु गवर्नमेंट, कि जो तमिलनाडु सरकार हैज शोन एलेक्रिटी, उसने बहुत एलेक्रिटी दिखाई है, बहुत उत्सुकता दिखाई है कहीं ना कहीं, है ना, तेजी से मतलब काम को किया है इन हैंडलिंग द एक्यूट चैलेंज ऑफ अ सीवियर वेदर इवेंट, कि भाई जो
तीक्ष्ण रूप से जो चैलेंज मिला था ना, इसमें बहुत ज्यादा तेजी दिखाई है किसने, तमिलनाडु सरकार ने इसको हैंडल करने में, कि भाई जो बहुत बुरा मौसम था, बहुत बुरा जो इवेंट ये हुआ था, जो घटित हुआ था, विच हैज अकर्ड इन रन अप टू असेंबली इलेक्शंस ड्यू अर्लियर नेक्स्ट। ये जो चीज हुई है ना कि बहुत तेजी से जो है ना तमिलनाडु सरकार ने चीजों को हैंडल कर लिया है, हैंडल करने में जो उत्सुकता दिखाई है, ये चीज किसकी वजह से है, विच हैज अकर्ड, ये हो सकता है। रनअप का मतलब क्या होता है, देखिए रनअप का मतलब होता है ऊपर उठना, असेंबली इलेक्शंस, अगले साल जो है ना विधानसभा के जो इलेक्शंस हैं, हो सकता है ये चीज इसकी वजह से हुई हो, कि बहुत जल्दी से उत्सुकता दिखाई है, बहुत बहुत तेजी से चीजों पे जो काम किया है, ठीक है ना, कि उसमें वो रनअप करके आए, ठीक है, ऊपर चढ़कर आए, कि भाई जो नेक्स्ट इलेक्शंस होगा कि उसमें वो, मतलब लोग इस चीजों को नोट करेंगे कि भाई कितनी जल्दी चीजें हैंडल कर लिया है। अगर का मतलब होता है घटना, की ऊपर जो एक्शन लिया हुआ है तमिलनाडु सरकार ने, चीजों को बड़े जल्दी से हैंडल कर लिया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में जो इलेक्शंस है, ये इसकी वजह से इन्होंने ये एक्शन लिया हो। चीफ मिनिस्टर अड्डाकपलानी, सॉरी अड्डाकपडी के प्लानी स्वामी, नाम याद रख लेंगे। देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वहां पर कौन है, अड्डापट्टी के प्लानी स्वामी, मेड उन्होंने भाई फील्ड विजिट्स भी की थी, मेड फील्ड विजिट्स, घूमने भी गए थे कि कहाँ कहाँ पर ये क्या हो सकता है। एंड इन द पैरेलल, वो पैरेलल में क्या हुआ, द डीएमके, जो डीएमके पार्टी है एज द लीड अपोजिशन, जो उनके अपोजिशन में है, माउंटेड इट्स ओन रिलीफ ऑपरेशन। उसने भी क्या किया, माउंट का मतलब होता है यहाँ पर चलाना, उसने भी अपने जो है ना रिलीफ राहत ऑपरेशन चलाए गए ना, उसने भी जो है ना जहां पर भाई नुकसान हुआ है वहां पर राहत सामग्री दी गई है ना, तो कह रहे कि अपोजिशन में जो डीएमके थी उसने भी जो है ना राहत सामग्री चलाई, राहत 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 भरे जो है ना ऑपरेशंस जो है ना चलाए गए, जिससे लोगों को राहत मिल सके, है ना, किससे, बाढ़ से। व्हाट मस्ट वरी द टू मेजर पार्टीज इज दैट पीरियोडिक पेपर्स ऑफ द क्रैक्स डस नॉट ऑफर अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू चेन्नईज इविडेंट सिविक डिके। अब देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है, कि भाई जो चिंता करने वाली, व्हाट मस्ट वरी द टू पार्टीज, दोनों पार्टीज को जो चिंता करनी चाहिए वो ये है कि भाई इस दैट पीरियडिक, जो जो समय अंतराल पर बार बार, मतलब जो पेपरिंग ऑफ द क्रैक्स, कि भाई ये क्या है पेपरिंग ऑफ द क्रैक्स, क्रैक्स का मतलब यहाँ पर जो कोशिश है, कि पेपर में जो ये कोशिश करते रहते हैं ना, पेपरिंग जो वर्क करते रहते हैं ना, कि भाई हम लोगों ने राहत सामग्री ये दी है, हम लोग ये कर रहे हैं, कि ये कोई एक सोल्यूशन नहीं है, ये हमेशा के लिए सस्टेबल, मतलब ये एक हमेशा के लिए सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है, किसके लिए, चेन्नई के जो जो सिविक, जो नागरिक डिके हो रहा है ना, जो स्पष्ट है, इविडेंट जो है ना, क्लियर है भाई, जो नागरिक के लिए जो चीजें डिके हो रही है, कहीं ना कहीं नागरिक जो पतन हो रहा है, नागरिक पतन का मतलब समझ गए ना भाई, चीजें जो है बार बार खराब हो रही हैं भाई, बाढ़ से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर खत्म हो रही है ना, और लोगों की जान जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से चेन्नई के नागरिकों के लिए, नागरिकों के पतन के लिए एक सोल्यूशन नहीं है, कि भाई वो क्या करते रहते हैं पेपर में, बस कोशिश करते रहते हैं कि हम लोगों ने ये किया वो किया ना, तो कहीं ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है, सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है हमेशा के लिए। देयर इज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन ऑन द लॉस ऑफ इट्स फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स होता है जहां पर बाढ़ से भैया जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, लेक्स एंड पेरी अर्बन वेटलैंड्स टू एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, कह रहा है कि देखिए एक एक्सटेंसिव मतलब विस्तार रूप से, देर इज एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, कि भाई जो विस्तार रूप से डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, जो चीजें लिखा पढ़ी होती है किस पर, ऑन द लॉसिस ऑफ, कि भाई बाढ़ से जो प्रभावित एरिया है, लेक्स हैं, और जो शहरीकरण, जो वेटलैंड जगह है ना, किससे, अतिक्रमण से, कि भाई एक क्या होता है कि एक एक्सटेंसिव, देखिए यहां सुनिए, कि एक्सटेंसिव रूप से जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ठीक है ना, वो क्या है कि भाई अ की फैक्टर दैट इज एग्जेसरेबेटिंग मानसून फ्लड, कि भाई ये चीज डॉक्यूमेंट्स में होती है सिर्फ, ठीक है ना, लेक्स जो है ना, और जो अर्बन लैंड्स हैं उसमें जो एनक्रोचमेंट हो रहा है ना, अतिक्रमण जो हो रहा है,
एक की फैक्टर ये है, एक की फैक्टर है दैट एग्जेसरेटिंग मानसून फ्लडिंग, जिससे मानसून जो है ना वो मानसून जो है ना फ्लड हो रहा है, मानसून जो है ना मानसून की वजह से जो है ना क्या हो रहा है, बार बार बाढ़ आ रही है, वो कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दे रहा है कि ये की फैक्टर है कि बार बार जो है ना लेक्स और प्री अर्बन वेटलैंड्स जो है ना उसमें अतिक्रमण हो रहा है भाई, कहीं ना कहीं जो लेक्स हैं वो उनमें अतिक्रमण हो रहा है, और भाई जो अर्बन जो है ना अर्बन का जो शहरी जो क्षेत्र है उस वो जो वेटलैंड्स है वहां पर भी एनक्रोचमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये की फैक्टर है जिसकी वजह से मानसून जो है ना मानसून फ्लडिंग हो रही है, मानसून में जो बाढ़ आ रही है। एक्सेसरेटिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इस चीज से चीजें बढ़ रही है, ये की फैक्टर है। दिस लैंड ग्रैब, कि भाई जो अतिक्रमण हो रहा है ना लैंड पर, जो भी बात कर रहा था वो कि भाई लेक्स जो है ना खत्म करती, लेक्स लेक पर जो है ना झील वगैरह है जो उन पर अतिक्रमण हो रहा है ना, ये जो लैंड का पर जो ग्रैब है इस मेड पॉसिबल बाय बिनाइन इंटेलिजेंस, ये किसकी वजह से है, ये पॉसिबल जो है ना ये एक जो हमारी बिनाइन इंटेलिजेंस, एक जो इंटेलिजेंस का मतलब होता है विलासिता, मतलब जो हमारी सरकार है ना वो एक विलासिता के मूड में रहती है कि वो कुछ एक्शन ही नहीं लेती जो लगातार गवर्नमेंट आती है, ये उनकी वजह से हो रहा है कि बार बार जो है ना लैंड को जो है ना ग्रैब कर लिया जा रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण होता जा रहा है ना। कहीं पर भी देखो आप लोग देखते हैं कि भाई बार बार जो है ना जंगल है तो उनको काट काट कर क्या बनाया जा रहा है भाई, बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, तो उनकी ये बात कर रहा है कि एक्सटेंसिव रूप से जो है ना डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, लेक्स खत्म होती जा रही है ना। तो कह रहा है कि लगातार जो गवर्नमेंट आती है कि उसकी इंटेलिजेंस की वजह से हो रहा है, इंटेलिजेंस की मतलब होता है कि वो विलासिता के मूड में रहती है, वो ऐसे मतलब वो कुछ एक्शन नहीं लेती है, वो मतलब बस ऐसे ही रहती है सरकार हमारी, और वो बिनाइन है एक तरह से, वो दयालु टाइप रहती है, वो एक्शन नहीं लेती। व्हाट इज मोर गवर्नमेंट हैव नोट्स ऑन, कि देखिए क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट इज मोर कि गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए, हैव नोट्स ऑन रिगर, रिगर का मतलब होता है, देखिए ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, कि कहीं ना कहीं कठोरता दिखानी चाहिए, रिगर मतलब कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कठोरता दिखानी चाहिए टू कलेक्ट एंड पब्लिश डाटा ऑन एनुअल फ्लडिंग पैटर्न्स, कि भाई जो एनुअल फ्लडिंग पैटर्न्स है ना कि बार बार जो बाढ़ आ रही है उसी जो डाटा मिला उसको अच्छे से कलेक्ट करें और पब्लिशिंग करें कि किसकी वजह से डाटा आ रहा है भाई, पेड़ भाई क्या हो रहा है, पेड़ों को कटाव हो रहा है तो उसकी वजह से बाढ़ ही तो आ रही है ना भाई, जमीन पर जो है ना क्या बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनानी जा रही है, लेक्स कम होती जा रही है, एंड मेजर द पीक फ्लोज इन द नेगलेटिंग रिवर्स। और देखिए क्या बात कर रहे हैं कि भाई जो जो अनदेखी नदियां है ना, जो रिवर्स हैं और जो क्या है नहरें हैं, उन पर जो पीक फ्लो जाता है, उन पर जो वो एकदम अपने पीक पर जो बहती है ना, कि भाई उसको जो है ना क्या किया जा रहा है, नेगलेक्ट अनदेखा किया जा रहा है ना उन मेजर्स को, उन आंकड़े को, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, टू प्लान रिमेडीज, उसके लिए एक प्लान होना चाहिए कि भाई ये अपने जितने जो जो रिवर्स हैं, जो अनदेखी नदियां हैं और जो क्या है नहरें हैं, वो इतने पीक पर क्यों बह रही है, कि उनके लिए एक 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 प्लान बनना चाहिए, एक प्लान रिमेडीज होना चाहिए, रिमेडीज मतलब एक एक तरीका होना चाहिए, एक उपचार होना चाहिए। अपेलिंग इंडिफरेंस, अपेलिंग का मतलब होता है भयंकर रूप से जो उदासीनता बढ़ रही है, किसको लेकर, लैंड को लेकर, कि लोग सोच ही नहीं रहे, बस क्या हो रहे हैं कि भाई अपना सोच रहे हैं ना कि भाई बिल्डिंग मिलनी चाहिए, घर बनना चाहिए, अपेलिंग का मतलब होता है भयंकर रूप से जो उदासीनता बढ़ रही है कि भाई जो नॉर्म्स हैं लैंड के, जो नॉर्म्स हैं उनको लेकर कोई उनका पालन ही नहीं कर रहा है। हैज स्पैनिड एन अमॉर्फस हाउसिंग सेक्टर, सॉरी कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेटेड स्पेकुलेटिव प्राइसेस बट नो फाउंडेशन ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉरी, क्या कह रहा है कि देखिए कि भाई जो नॉर्म्स है ना उनको लेकर कोई सीरियस ही नहीं है, एकदम अपेलिंग मूड, मतलब बहुत बुरी तरीके से एक उदासीन मूड में है। और हैज स्पनिट, स्पनिट का मतलब होता है, यहीं पर लिख लीजिए, पैदा करना, इस चीज ने एक भाई जो सब लोग जो है ना एक ऐसे मूड में है उदासीनता मूड में, इसने एक पैदा कर दी है, एक अमोर्फस स्ट्रक्चर बना दिया है। अमोर्फस का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे अच्छे से, एक आकारहीन
हाउसिंग सेक्टर बन गया है कि मतलब कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं है हाउसिंग सेक्टर के लिए, कि कोई कहीं पर भी जो है ना क्या किसी भी तरीके से जो है ना घर को बना लेता है, कि कोई भी उसके लिए कोई भी उसके लिए कोई कैरेक्टराइज्ड चीजें नहीं है, है ना, क्योंकि चीजें बढ़ गई है बाय इन्फ्लेटेड, है ना। एफॉर्मेशन का मतलब होता है आकारहीन, कि लोग अपने हिसाब से जो है ना कोई बड़ा घर बना रहा है ना, आकारहीन चीजें हो रही हैं, किस डायरेक्शन में चीजें बननी चाहिए, कहाँ पर चीजें बननी चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है। इससे जो है ना जो लैंड को लेकर जो नॉर्म्स हैं कि वो क्या है, वो एकदम इंडिफरेंस है ना। उससे जो है ना एक हाउसिंग सेक्टर जो है ना एक्टिव सेक्टर के जो कैरेक्टराइज है वो इन्फ्लेटेड हो गए हैं, जो इन्फ्लेटेड हुए हैं ना, स्पेक्टेटिव प्राइसेस और क्या उत्सुकता वाले जो प्राइसेस हैं। भाई क्या होता है, आदमी घर लेना चाहता है और बहुत अच्छे अच्छे जो है ना प्राइस में घर अवेलेबल होते हैं, है ना, भाई जितना अच्छा घर होगा उतने अच्छे प्राइसेस होंगे, लेकिन बट नो फाउंडेशन। स्पेक्टेटिव उत्सुकतापूर्ण प्राइसेस तो हैं, मतलब लोग प्राइसेस को लेकर तो उत्सुकता दिखा रहे हैं, है ना, कि भाई इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी इतने कम पैसे में, लेकिन कोई भी एक फाउंडेशन सिविक, कोई भी एक नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक को लेकर कोई भी है ना नागरिकता को लेकर कोई भी एक स्ट्रक्चर नहीं है, वह चीजें कोई भी फाउंडेशन नहीं बनाया गया है, कोई भी नींव नहीं रखी गई है ना नागरिकता इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, टू कीप तमिलनाडु कॉम्पिटेटिव, जिससे जो कपिलनाडु जो तमिलनाडु है ना कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट्स लोकल बॉडीज शुड हैव हार्डवेयर अर्बन प्लानिंग एंड इन्वेस्ट हेवली फॉर ए फ्यूचर ऑफ फ्रीक्वेंट डिसरप्टिव वेदर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जिससे तमिलनाडु जो है ना कॉम्पिटेटिव तमिलनाडु गवर्नमेंट लोकल बॉडीज ना जो लोकल बॉडीज हैं उनको क्या करना चाहिए, शुड हार्डवेयर अर्बन प्लानिंग, कि भाई एक अर्बन जो है ना जो शहरी प्लानिंग है ना वो कहीं ना कहीं हार्ड वायर रूप में होनी चाहिए, मतलब उसके लिए कठिन कदम उठाने चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए जो तमिलनाडु कॉम्पिटेटिव गवर्नमेंट है उसको हेवीली भारी रूप से, और अब फ्यूचर ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्पेक्टिव कि जिससे भाई फ्यूचर में जो बार बार वेदर जो है ना खराब हो रहा है उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, कि उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए हैवली रूप से ना, इन्वेस्ट हैवली भारी इन्वेस्ट करना चाहिए, कि भाई लोगों पर जो लैंड के लिए ना रूल्स बनने चाहिए कि भाई कौन अपना घर कहाँ बना सकता है, और एक प्लानिंग करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कि इंफ्रा कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, उसके क्या नॉर्म्स होने चाहिए, कि ऐसे कोई भी कहीं पर इंफ्रा तैयार कर देता है कि भाई, और वो रूल्स रेगुलेशन के तहत होना चाहिए, मतलब एक वेदर भी अगर आए तो इंफ्रा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आज का एडिटोरियल समझ में आया होगा कि फ्यूचर को लेकर जो है ना प्लानिंग बननी चाहिए और सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए जल्दी से, जो मौसम बार बार जो है ना डिसरप्टिव हो रहा है, डिसरप्टिव का मतलब जो खराब हो रहा है। आई होप सो स्टूडेंट्स आज का एडिटोरियल जो है वो क्लियर हुआ होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।